हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उर्दू मीडिया। मज़ीद अच्छी और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। एक ऐसा फल जो मुनफरिद होने की वजह से कीमती है, एक दाना 1000 रुपये में फरोख्त। स्ट्रॉबेरी को आपने सुर्ख रंग में देखा होगा, लेकिन जापान में नायाब सफ़ेद रंग की स्ट्रॉबेरी दस्तियाब है जो मुनफरिद होने के साथ साथ कीमती भी है। जापान के शहरी योतीशियो तीशमा ने 4 साल कबल सफ़ेद स्ट्रॉबेरी की काश्त का कामयाब तजर्बा किया था, जिसके बाद वो मुसलसल इसकी काश्त कर रहे हैं और इसे मार्केट में फरोख्त भी कर रहे हैं। इनका फार्म दुनिया का वाहिद बाग है जो सफ़ेद स्ट्रॉबेरी की काश्त करता है, जो सुर्ख स्ट्रॉबेरी के मुकाबले में काफ़ी बड़ी है। जबकि इनका दावा है कि इन्होंने सफ़ेद स्ट्रॉबेरी की काश्त पर कई साल लगाए, जिसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक का इस्तेमाल भी किया गया। इनकी स्ट्रॉबेरी को अनमोल होने की वजह से कीमती भी है और वो इसका एक दाना $10 में फरोख्त करते हैं, जबकि एक पैकेट की कीमत $40 है। इनके मुताबिक सफ़ेद स्ट्रॉबेरी बाहर से सफ़ेद होने के साथ साथ अंदर से भी सफ़ेद है और जायके के एतबार से सुर्ख स्ट्रॉबेरी के से कई गुना ज़्यादा जायकेदार है। इनका कहना है कि सफ़ेद स्ट्रॉबेरी की काश्त का एक राज ये भी है कि जब ये पौधे में लगना शुरू हो तो इसे धूप से बचाया जाए, क्योंकि सूरज की रोशनी एंटीकानोरिन की सतह को कम करता है। एंटीकानोरिन कुदरती केमिकल है जो फलों और सब्जियों को रंग देने का काम करता है। ख्याल रहे कि जापान में आमतौर पर लोग खसूसी मौक़ों पर कीमती और अनमोल तहाइफ देना पसंद करते हैं, और सफ़ेद स्ट्रॉबेरी को भी किसी और गिफ्ट के मुकाबले में स्पेशल तस्वुर किया जाता है। आप अपनी राय से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह कर सकते हैं। हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।